हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की तारीख है 1 जून 2022। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े पहले मैं बता दूं कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो थोड़ा सा बारिश की भी साउंड आ सकती है और थंडर स्टॉर्म की भी साउंड आपको सुनाई दे सकती है। ठीक है, हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल INS गोमती के बारे में है। देखिए क्या हुआ है, जो हमारा नवल शिपयार्ड है, इंडियन नवल शिपयार्ड है INS गोमती, जो कि आप फिगर में भी देख रहे हो, इसको क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया है। कहाँ से? मुंबई डॉकयार्ड से। ठीक है, ये इसकी कमीशनिंग कब हुई थी? 1998 में हुई थी। किसने की थी? मजेगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने की थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि ये INS गोमती जो ओल्डेस्ट है, ये मिसाइल फ्राइगेट में जो नवल वेस्टर्न फ्लीट है, हमारी इंडियन नेवी की नवल वेस्टर्न फ्लीट है, उसमें ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब गोमती इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो गोमती है, गोमती नदी के ऊपर इसका नाम पड़ा है, कि गोमती क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। यहाँ फिगर में भी देख रहे होंगे, जो ये वाली रिवर है, ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये इसकी डिकमीशनिंग सेरेमनी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो इसके बारे में थोड़ा सा, अब इसने किस किस चीज में पार्टिसिपेट किया गया था, इसके लिए किस लिए जाना जाता है, अगर इसे हम बात करें तो इसे पर्टिकुलर किस किस चीज के लिए जाना जाता है? देखिए, इसने तीन बड़े ऑपरेशंस को चलाया था। तीन बड़े ऑपरेशंस में इसने पार्टिसिपेट किया था। पहला था ऑपरेशन कैक्टस, दूसरा पराक्रम और तीसरा ऑपरेशन रेनबो। और भी कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइजेस में इसने पार्टिसिपेट किया है। तो हम थोड़ा थोड़ा इन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला ऑपरेशन कैक्टस था, 1988 में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्म फोर्स ने चलाया था। ये किस लिए चलाया था? मालदीव में चलाया था, क्योंकि मालदीव में को होने का अटेम्प्ट किया गया था। वहां पे क्या सत्ता में तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, तो इसलिए वहां पे उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज को टैकल करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस इंडियन नेवल अकेडमी आर्मी इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था। ये आप फिगर भी देख रहे होंगे, ये इंडिया का पहला ओवरसीज मिशन था। और ये फिगर से आप समझ सकते हो कि यहाँ से फ्लीट टूटी, आपके मालदीव में गई, यहाँ पे इन चीजों को इसे हैंडल किया गया। दूसरा हमारा क्या नाम ऑपरेशन था 2001 में जो चलाया गया था, ऑपरेशन पराक्रम। ये किस वजह से लॉन्च किया गया था? जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में, आपका पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो ये उसमें चलाया गया था, कि एक तरह से एक रिवेंज था, ये एक तरह का, कि पाकिस्तान, ये आप देख रहे होगे कि ये इंडियन टेरिटरी से आपका इंडियन फोर्सेस आपके पाकिस्तान में जा घुस रही है, और वहां पे ये अपना ऑपरेशन चला रही, तो ऑपरेशन पराक्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये उनके फिगर जो इन्होंने पकड़े थे आतंकवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा हमारा था जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन रेनबो था, रेनबो इनिशिएटिव था। ये क्या करा था कि सुनामी जो आई थी श्रीलंका में, उनको बचाने के लिए, उन्हें असिस्ट करने के लिए वहां के लोगों को ये ऑपरेशन रेनबो चलाया गया था। रेनबो क्या है? आपका जीवन में रंग भरना, यानी कि 7 रंगों का, यानी खुशियों का था, कि वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, खुशियां पहुंचाने के लिए वहां असिस्टेंस, रेनबो असिस्टेंस, खुशी, उम्मीद का एक रेनबो, एक तरह से उम्मीद खुशी का एक प्रतीक है, तो इसलिए ऑपरेशन रेनबो शायद इसका नाम रखा गया हुआ। अभी इसे कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है? 2007 में भी इसको अवार्ड दिया गया, 2019-20 में भी इसको अवार्ड दिया गया, यानी INS जो आपको गोमती है। कौन सा अवार्ड दिया गया? इसे यूनिट साइटेशन दिया गया, प्रेजिडेंट इसे प्रोवाइड करता है, तो इसे बोलते हैं प्रेजिडेंट यूनिट साइटेशन। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूनिट का नाम होता है कि किस यूनिट को ये दिया गया। मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा होगा INS गोमती। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते, आगे हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 31 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो WHO इसे सेलिब्रेट करता है। WHO ने इसे कब सेलिब्रेट करना शुरू किया? 1987 में सेलिब्रेट करना शुरू किया, तो इसे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखने की जरूरत है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, कि भाई तम्बाकू मत खाओ पियो, इससे कैंसर होता है और भी कई भयंकर बीमारियां होती है जिससे जान जाती है, तो इसलिए अवेयरनेस फैलाना है कि इस चीज का कंज्यूमशन को हम बहुत कम लेवल पे लेके आ सके। ठीक है, ग्लोबली, ना कि किसी एक स्टेट में, कंट्री में। ठीक है, 1987 में इसे क्रिएट किया गया था, वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, ये अब इसकी हाईलाइट थोड़ी सी देख लेते हैं। इस बार की थीम क्या थी 2022 की, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 की थीम क्या थी? कि प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इसकी थीम थी। इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस बार की थीम क्या थी, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो इसे क्या किस स्टेट को सेलेक्ट किया गया है, तो इस बार झारखंड को सेलिब्रेट किया गया, सेलेक्ट किया गया है, कि उसको अवार्ड दिया गया है, कि वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 का झारखंड को दिया गया, कि इसने, झारखंड ने बहुत अच्छा काम किया है।
इसको तंबाकू के कंज्यूमशन को प्रिवेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वर्ल्ड टंबाकू कंज्यूम करने के। अभी देखिए क्या डाटा दिया गया कि इंडिया लगभग 1.35 मिलियन डेथ हो जाती है इंडिया में हर साल, और जो कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है टंबाकू का। दूसरे बोलते हैं लगभग 80 लाख पीपल हर साल ग्लोबली मर जाते हैं। स्मोकिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैंसर होती है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिसीज होती है जिसे कोपीडी बोलते हैं, और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज भी हो सकती है। अब ये वुमेन स्मोकर्स की बहुत संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रिपोर्ट भी आई है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। मगर वुमेन स्मोकर जो होती है, अगर वो स्मोकिंग करती है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो ये एक उसके प्रेगनेंसी में एडवर्स इफेक्ट आता है। ठीक है, प्रेगनेंसी की जो आउटकम होती है उनमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर का डर रहता है, सर्वाइक्स कैंसर का डर रहता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क रहते हैं, और फीमेल में ये वो देखा गया है कि 20% राइज हुआ होगा 2025 तक। अब डाटा इंडिया के लिए बताया गया, किसने डाटा लॉन्च किया कि ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010 में इन्होंने बोला था सर्वे के, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी ने बहुत हद तक अच्छा काम किया है इसको रिड्यूस करने के लिए। किसमें, मेल में जो है टोबैको कंजम्पशन की रिड्यूक्शन देखी गई है, जबकि ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिला फीमेल में 2005 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा रेड सेंडर के बारे में। रेड सेंडर के डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 14.63 मीट्रिक टन रेड सेंडर्स का जो क्या नाम रिकवर किया है, जिसमें से 11.70 करोड़ इसकी इंटरनेशनल मार्केट बताई जा रही है। अब इस रेड सेंडर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका साइंटिफिक नाम टेरोकार्पस सेंटालिनस है, ठीक है, रेड सैंडल इसको कहते हैं, सैंडल वुड भी कहते थे। इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ह्यू मतलब इसका कलर कलर की वजह से इसकी तो अट्रैक्शन बढ़ती है, थेरेप्यूटिक यानी कि रोग उपचार में भी काम आता है, रोग को भी ठीक करने के काम आता है। दूसरा ये एंडेमिक है, ये पेड़ जो इसके पेड़ होते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हो रेड सैंडल का पेड़ है, ये रेड सैंडल की खेती हो रही है, और ये आपका रेड सैंडल कटने के बाद देखो इसका कलर कितना रेड है। ठीक है, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे नहीं मतलब ये एंडेमिक है कहाँ की, साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में स्पेशली आंध्रा में इसके ऊपर अभी मूवी भी बनी थी पुष्पा, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है अल्लू अर्जुन की। ठीक है, अब ये केरला में कुछ पार्ट केरला में मिलता है, तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में, जबकि मेन इसका जो गढ़ है आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस फिगर में भी आप देखते होंगे ये रहा। ठीक है, अब इसका जो एक्सपोर्ट है वो प्रोहिबिट कर दिया गया था 2004 में। अगर इसके बाद की बात, इसके प्रोटेक्शन की बात करें कि इसको किस किस चीज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में इसको डाला गया है 1995 में, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 2022 में से एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, बट 2019 में क्या हुआ था, जो डीजीएफटी थी, डीजीएफटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिवाइज कर दिया। रिवाइज करके ये बोला कि हम एक्सपोर्ट जो रेड सेंडर का उसको परमिट करते हैं, किस चीज में, जो कल्टीवेशन लैंड में अगर आपका रेड सेंडर उगाया जा रहा है तो वहां से इसको कट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम परमिट कर रहे हैं। रेड सेंडर के बारे में अगर बात करें तो कहाँ पे ग्रो की जाती है, इसकी खेती किस जगह होती है, ये पर्टिकुलर जगह होती है ना, ऐसा नहीं है ना कि हर कोई इसके पौधे को अपने खेत में और घर में कभी भी उगा लेगा, जैसे तुलसी उगा ली, कोई भी फूल पौधे उगा ली, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये काफी महंगी चीज होती है, लकड़ी होती है रेड सेंडर की, इसके और हमने पढ़े भी कि बहुत सारे क्वालिटीज होती है। ये रॉकी पहाड़ी एरिया में, डिग्रेडेड लैंड में और फालो लैंड में जो ऐसी पड़े हो उसमें उगता है, और रेड मिट्टी इसकी होती है, रेड सोयल होती है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जो कि आपकी साउथ इंडिया जो एरिया है, हमारा साउथ इंडिया का एरिया है, तो उसमें उसके लिए जो ये अर्थ है बहुत सुटेबल है। अब हम अगला आर्टिकल यूनिकॉर्न के बारे में, कि यूनिकॉर्न जो कंपनी जो होती है कौन सी होती है, कब यूनिकॉर्न बोला जाता है, इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न्स है और उनकी क्या टर्नओवर है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अभी क्या हुआ है हाल ही में, रिसेंटली यूनिकॉर्न जो है 100 को क्रॉस कर गई है, टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इंडिया में 100 को क्रॉस कर गई है, यानी कि ग्रेटर देन 100 हो गई है। अगर इनकी टोटल इवेल्यूएशन की बात करें तो 330 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, 330 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है, यानी कि 25 लाख करोड़ की इसकी टोटल एसेट बन गई है यूनिकॉर्न इंडिया के अंदर। अगर एवरेज ग्रोथ की बात करें, एनुअल ग्रोथ इंडिया में देखने को जो यूनिकॉर्न्स की मिल रही है वो इस वक्त यूएस और चाइना, यूके ऐसी बड़ी कंट्रीज से भी ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन गया है स्टार्टअप का, यूनिकॉर्न्स का। स्टार्टअप तो है ये, स्टार्टअप तो क्या है कि छोटी सी कंपनी होती है स्टार्ट की, वो कब यूनिकॉर्न बनेगी ये कोई गारंटी नहीं है, वो बनेगी नहीं बनेगी, स्टार्टअप तो बहुत ज्यादा है, पर यूनिकॉर्न
के लेवल को अचीव करना, यूनिकॉर्न के मार्क को अचीव करना, उतने रेवेन्यू को अचीव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए इंडिया वाकई में इस बात में प्राइड फील करता है कि इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए। हालांकि इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसमें ये इतनी यूनिकॉर्न है, इससे कहीं ज्यादा आपके चाइना में है, यूके में, यूएस में है। मगर अगर बात करें कि कुछ ही टाइम में जो कि आपका स्टार्टअप इंडिया कैंपेन चला है उसके तहत इसमें बात करें, तो इंडियन बहुत लीप मतलब कि बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया आपका थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आपका सेटअप कर चुका है वर्ल्ड में। ठीक है, यूएस और चाइना के बाद अगर इसकी बात करें तो पहले तो यूएस ही है और चाइना सेकेंड नंबर पे, तो उसका थर्ड नंबर पे, यानी कि पहले यूएस हो गया, उसके बाद चाइना हो गया आपका, और थर्ड नंबर पर आपका कौन आता है, इंडिया आता है। हर चीज में आजकल तो इंडिया ही सुनने में आ रहा है, जो कि हर एक इंडियन के लिए बहुत प्राइड की बात है। अब थोड़ा सा यूनिकॉर्न की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि यूनिकॉर्न कहते किसे है। यूनिकॉर्न एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेटली ओवन कंपनी होती है, गवर्नमेंट ओवन कंपनी नहीं होती है, प्राइवेटली ओवन कंपनी होती है। इसके जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 1 बिलियन डॉलर से अबव हो जाता है, 1 बिलियन डॉलर या उससे ऊपर हो जाएगा तो उसे आप बोलोगे क्या, यूनिकॉर्न बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जो एक यूनिकॉर्न होता है उसका मतलब क्या है कि एक स्टार्टअप है जो कि कम से कम उसका टर्नओवर 7,500 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि अब अगर बात करें कि किस किस टाइप की कंपनी यूनिकॉर्न हो सकती है, जैसे फिनटेक हो सकती है जो फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, ईडी टेक हो सकती है जो एजुकेशन और प्लस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी में सॉरी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हो, तो वो ईडी टेक हो सकती है, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगर इस पिक्चर के माध्यम से हम समझे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है वर्ल्ड में। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के तहत यूनिकॉर्न की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपकी 100 से ऊपर जा चुकी है। अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट वो तो बन ही चुका है जिसमें 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, 21 स्टार्टअप तो आपकी यूनिकॉर्न को अचीव कर चुके हैं, यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव कर चुके हैं। मगर 2012 में जहाँ पे संख्या एक ही थी, 2012 में देखिए संख्या एक थी आपकी यूनिकॉर्न की, यूनिकॉर्न की। मगर आप देखिए 2022 में आपका 21 से ज्यादा आपके स्टार्टअप यानी कि यूनिकॉर्न बन चुके हैं। अगर इंडिया को 48वीं रैंक दी गई थी, मोस्ट इनोवेटिव नेशंस का दर्जा दिया गया 2020 में, जिसने टॉप 50 रैंक्स को ब्रीच करके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपना पहला नाम दर्ज किया। 45% जो स्टार्टअप है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में अपनी डाइवर्सिटी को, जो इंडिया की जो स्टार्टअप की डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम को मेंटेन करे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा परम अनंत सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम अनंत सुपर कंप्यूटर हमने 3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले हमने दूसरा परम पोर सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी परम अनंत सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ कुछ वर्ड आएंगे जिनका मैं मतलब आपको बताता चलूंगा, और कोई वर्ड अगर मिस हो जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसका अर्थ बदल दिया, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, परम अनंत जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब आप जानते हो, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें यूज की गई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हो गया आपका, डाटा एनालिटिक हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी जितनी भी है, सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके जो आपका बनता है उसे स्टेट ऑफ द आर्ट वो बोला जाता है। टेक्नोलॉजी बोल बोल दो, सॉफ्टवेयर बोल दो, मशीन बोल दो, जो भी है। तो हम सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि लेटेस्ट है और मतलब एकदम जबरदस्त है सुपर कंप्यूटर। इसे कहाँ पे कमीशन किया गया, आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इसे अभी कमीशन किया गया। तो सुपर कंप्यूटर से हम यहाँ से एक तरह से थोड़ा सा क्या है, लंबा हो जाएगा ये सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन, यानी कि 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, क्योंकि काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, जो सुपर कंप्यूटर है इसकी जो परफॉर्मेंस की बात करें कि 838 टेराफ्लॉप है, यानी कि टीएफ है। देखिए, पेटाफ्लॉप नहीं है, पेटाफ्लॉप तो इसका हाई स्पीड होती है, हाई वो होती है यूनिट, मगर अभी हम बात करें टेराफ्लॉप की, तो 838 टेराफ्लॉप है जिसकी पीक परफॉर्मेंस है। लेकिन परफॉर्मेंस ऐसा थोड़ी कि भाई अब इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस मतलब मैक्सिमम स्पीड इतनी है,
ठीक है, ये हम जान सकते हैं। अब इसे किस किस चीज ने बना के, किस किस ने इसे बना के तैयार किया है, तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव था मीट वाई का, यानी कि माइटी का, यानी कि माइटी क्या है, इलेक्ट्रो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी का। ठीक है, अब ये फेज टू के अंदर बनाया गया, जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है, और उसका जो फेज टू है, क्योंकि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 3 फेज में चल रहा है। 3 फेज कौन कौन से, एक तो आपका फेज वन, ठीक है, दूसरा आपका फेज टू और तीसरा आपका फेज थ्री। तो फेज टू चल रहा है अभी, तो सुपर कंप्यूटर फेज टू में ही बनाया गया है आपका। इसमें क्या क्या चीजें डाली गई है, सीपीयू नोड्स डाले गए हैं, हाई प्रो क्वालिटी के जीपीयू नोड्स डाले गए, हाई मेमोरी नोड्स डाले गए, हाई थ्रोपुट स्टोरेज डाला गया, हाई परफॉर्मेंस इन्फीबैंड डाला गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कि आपका जो ये थ्रोपुट है आपका, इन्हें क्या बोलते हैं, अगर हम थ्रोपुट की बात करें कि हाई थ्रोपुट स्टोरेज क्या होता है, देखो तो पहले तो हमने थ्रोपुट जान लेते हैं कि थ्रोपुट क्या होता है। थ्रोपुट एक तरह से रेट ऑफ सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी कि जितने आप सक्सेसफुल मैसेज, कितने किस रेट से आप सक्सेसफुल मैसेज को डिलीवर कर सकते हो, उसे आपका थ्रोपुट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक, आपका जैसे कम्युनिकेशन चैनल की अगर बात करें तो इथरनेट हो गया, जैसे थ्रोपुट एक तरह से जो क्या नाम, एक यूनिट है, इसको किस में मतलब मेजर किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में। ठीक है, तो ये हाई थ्रोपुट स्टोरेज है, क्योंकि अगर थ्रोपुट आपका ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टोरेज होगा। ठीक है, तो ये कि नेटवर्क इसे हाई थ्रोपुट स्टोरेज यानी कि हाई स्टोरेज मान लो, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीयू नोड्स की। तो सीपीयू नोड्स क्या है, सीपीयू नोड एक तरह से फिजिकल यूनिट है। देखो अगली पिक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे जो सीपीयू के नोड्स होते हैं, जैसे कि सॉकेट आपने देखे होंगे जिनमें केबल लगता है, जैसे कि इस टाइप का आप देख रहे होंगे, ये वाला देखो, ये सीपीयू नोड्स है। ठीक है, जिनमें आपका सॉकेट फंसते हैं, इसका आप देख रहे होंगे पिक्चर में, जैसे कि आप ये समझिए, ये यहाँ पे ये इस तरह का ये हो गए। ठीक है, ये आपका इन्फी बैंड होगा। अगर आप इन्फी बैंड के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि हमने इसमें देखा है कि ये हाई परफॉर्मेंस इन्फी बैंड की बात करें, तो इन्फी बैंड क्या क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है, जो कि फीचर करता है जिसकी हाई वो थ्रोपुट होना चाहिए और लो लेटेंसी हो, जिसमें हाई थ्रोपुट होता है इसमें और लो लेटेंसी होती है। ठीक है, और स्टोरेज के बारे में हमने डिस्कस किया। सीपीयू नोड्स, जैसे आपने कोई वो देखा होगा, ये आप प्रोसेसर, आपने अगर कभी अपने बचपन में कुराफात किया हो, कुराफात से मतलब ये एक तरह का आपका प्रोसेसर इसके ऊपर रखा जाता है, तो ये नोड्स होते हैं यानी कि टच पॉइंट्स होते हैं, तो इसके ऊपर आपका प्रोसेसर रखा जाता है। ठीक है, तो उससे कनेक्शन मिलता है, तो ये बोलता है कि सीपीयू नोड जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसके नोड्स यानी कि टच पॉइंट हो गए। तो इस तरह बहुत ज्यादा कनेक्शन मान ली, बहुत ज्यादा, तो आप देख ही रहे होंगे, ये तो सिंगल एक बनाया है, तो इसके देखो कितने सारे आपके कनेक्शन है, अलग अलग लेयर में कनेक्शन है, क्योंकि तभी तो सुपर कंप्यूटर बनेगा। मान लीजिए ये तो आपका लगा दिया, मान लिया i3 का हो गया ये, ठीक है, चलो ज्यादा से ज्यादा i7 का हो गया, दो लगा दिए, पर आपको सुपर कंप्यूटर बनाना, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में काम करना है आपको, एकेडमिया में काम करना है, रिसर्च में काम करना है, एमएसएमई के लिए काम करना है, बड़े बड़े रिसर्च को काम वो करना है हैंडल, तो उसके लिए तो बहुत हाई प्रोसेसर चाहिए, तो उसके लिए तो कई सारे प्रोसेसर चाहिए ना, तो इसलिए एक तरह का पूरा एक स्टेक बन जाता है प्रोसेसर का। तो ये सीपीयू नोड जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, सीपीयू नोड्स कहलाते हैं। ठीक है, और जीपीयू नोड्स जो आपके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, जीपीयू आपका ग्राफिक्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट नोड्स होते हैं। तो आप इसमें फिगर में देख रहे हो, जो ये आपके सॉकेट्स बने होते हैं ना, सॉकेट्स में आप मेमोरी लगाते हो, क्योंकि ग्राफिक्स मेमोरी उन्हें बोलते थे, कि आपने रैम लगाई, रोम लगाई, क्योंकि जितनी आप ग्राफिक्स मेमोरी आपके कंप्यूटर में लगी होगी, आपके ग्राफिक्स उतने ही अच्छे होंगे। तो आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ग्राफिक्स के लिए ये लगा कर रखे, तो जीपीयू नोड्स यानी कि वो। अब जब आप, मैंने अभी बात की, अगर आप थोड़े से एक्टिव रहे हो अपने बचपन में, आपके पास जो डेस्कटॉप होगा, क्योंकि तब लैपटॉप बहुत ज्यादा महंगे थे, डेस्कटॉप चलते थे, तो आपने उसका मदरबोर्ड खोल के देखा होगा, कुछ कुछ स्लॉट मिलते होंगे, तो स्लॉट में आप रैम रोम लगाते थे, तो ग्राफिक्स का वो लगाते थे आप
मेमोरी कार्ड, तो वो क्या था, वो यही था कि आप ग्राफिक्स को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखो यही सब चीजें इस फिगर में दिखाई गई है, ठीक है। अब हम हाई मेमोरी नोड्स की बात करें, जो हाई मेमोरी नोड्स की हमने बात की थी कि मेमोरी को कनेक्ट करता है अलग अलग स्लोट से, कि जे कोर 1 कोर 2 इस तरह से, तो ये नोड्स हो गए आपके, ठीक है, ये सीपीयू के नोड्स हो गए अलग अलग, तो कि जिसमें आप मेमोरी को फिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये तो वो साइंटिस्ट या वो इनको बनाने वाले ही जाने और ज्यादा, तो पर हाँ एक बेसिक आइडिया है कि नोड्स क्या होते हैं। नोड स्लोट होते हैं एक तरह के। तो हाई स्टोरेज का मैंने बात की कि थ्रोपुट क्या होता है, एक तरह का आपका सक्सेसफुल मैसेज का आपका वो होता है, डिलीवरी होती है, जितनी कम हो, जितने कम टाइम में होगी और जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है। इसे इसकी थ्रोपुट को बिट्स पर सेकंड में आप मेजर करते हो। इन्फीबैंड जो आपके स्लोट से, जितने स्लोट होगी उतने ही आपका डाटा ट्रांसफर में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब हम पीछे डिस्कस कर रहे थे तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जो क्या नाम, जो सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मतलब सुपर कंप्यूटर है, वो नवंबर 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में 102वीं रैंक मिली थी इसको, परम सिद्धि को, सॉरी परम सिद्धि से, परम, ये गलत मैं बोल गया, सॉरी सॉरी, क्योंकि 102वीं रैंक आपके परम अनंत को मिली है, जबकि इससे, क्योंकि इसकी है 3.3 पेटाफ्लॉप, और जबकि इसकी है 5.4 या 5.5 समथिंग पेटाफ्लॉप है, तो ये 100 मतलब 102वें नंबर पे है परमानंद, और जबकि ये आपका परम सिद्धि इससे थोड़ा सा ज्यादा हायर रैंकिंग पे है वर्ल्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर कहते कहते देखिए, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की आप वो करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, और आपके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को सोल्व किया जाता है, उन पे प्रोग्राम रन किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन बात करें, सुपर कंप्यूटर इज कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू ए जनरल सुपर कंप्यूटर। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्या है, किस में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड में, कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, कितने ऑपरेशंस को आपको एक सेकंड में सोल्व कर सकता है, जबकि आपका पहले क्या होता था, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता था, मगर 2017 से इसमें किसको यूज किया जाना है, फ्लोट्स को यूज किया जाने के, या पेटा फ्लोट्स कह सकते हो, पेटा मतलब 10 to power 15, ठीक है, 10 to power 15 फ्लोप, टेरा 10 to power 12 फ्लोप, ठीक है, इस तरह से गीगा 10 to power 9 आपका, ये किलो 10 to power 3 फ्लॉप, ठीक है, इस तरह से किलो हो गया, मेगा हो गया 10 to power 6 फ्लॉप, ठीक है, इस तरह से चलता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि 2017 से क्या हुआ है, 2017 से वर्ल्ड में जितने भी सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सब लिनक्स लैंग्वेज ऑपरेट, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब उससे पहले 2017 से पहले कौन सा यूज करते थे, वो यूनिक्स यूज करते थे। अब यूनिक्स और लिनक्स में क्या डिफरेंस है, देखिए यूनिक्स थोड़ा सा कॉस्टली ज्यादा था, ठीक है, इसको कस्टमाइज करना मुश्किल था, यानी कि अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता था, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज नहीं किया जा सकता था, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि लिनक्स का इसलिए है कि ये ओपन सोर्स है, एक तरह का ओपन सोर्स नेचर की वजह से इसको बहुत आसान है मतलब यूज करना। दूसरा इसमें क्या है कि आपका इसे कस्टमाइज ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हो, और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए आपका इसको हर कोई सुपर कंप्यूटर इसको ही यूज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, इसके एप्लीकेशन हमने जाना कि वेदर और क्लाइमेट को मेजर करने में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, मोलिकुलर डायनेमिक्स में, मेटीरियल साइंस में, और CFD में, कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स में, और भी कई सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, ठीक है, MSMEs में। अब सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी इसमें जो आता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में आता है, ये क्या है, कितनी फेज में चला, कब चलाया, क्यों चलाया, क्या चक्कर है। देखिए जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसमें क्या क्या है कि क्लस्टर्स को क्रिएट करना है, लगभग 70 सुपर कंप्यूटर को क्लस्टर्स को क्रिएट करना है, उन्हें कनेक्ट करना है किससे, एकेडमिक से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, पूरे इंडिया में ये काम है। अप्रैल 2015 में गवर्नमेंट ने NSM को लॉन्च किया, टोटल खर्चे के साथ कितना, 45,700, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, यानी कि 2022 तक, जो कि कंप्लीट हो चुका है NSM इसका, ठीक है। अब नेशनल सुपर जो जो मिशन था, इसमें क्या सेट किया गया था कि जो सुपर
कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था जो किसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जो कंप्यूटेशनल डिमांड है अकेडमी की, क्योंकि अकेडमिक जो IITs है, NITs है और जितनी भी आपको बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनको क्या है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए, बड़ी बड़ी चीजों पर, बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए, जो उनका पूरा प्रोटोटाइप मॉडल होता है उन्हें सोल्व करने के लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर चाहिए और हाई स्पीड के सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो इसलिए डिमांड, ये बहुत बड़ी जरूरत महसूस हुई कि हमारा अपना इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जाए। तो रिसर्च में, MSMEs में, स्टार्टअप्स के लिए, एक कैपेबिलिटी डिजाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में सुपर कंप्यूटर्स को इंडिजीनियसली इंडिया में ही डिजाइन किया जाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस हुई। शुरू में तो 4 सुपर कंप्यूटर को इंडिया में इंडिया के जो टॉप 500 लिस्ट में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड में। ठीक है, अब इसका एम और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना की मतलब वो है, कवायद है, जिसकी रेंज क्या होगी कि आपकी फ्यू टेराफ्लॉप से लेके 1 TF से लेके एक एक TF से लेके, यानी कि 1 DG टेराफ्लॉप से लेके आपका 3G टेराफ्लॉप तक। 3G टेराफ्लॉप का मतलब है कि स्टार्टिंग की एम की बात करो तो 1 टेराफ्लॉप से लेके 3D टेराफ्लॉप, यानी 300, 500, 800 टेराफ्लॉप, मान लो 833 टेराफ्लॉप। ठीक है, इस तरह से कि इस रेंज में इसे बढ़ाते चलना है। शुरू में क्या है, तीन सिस्टम को क्या नाम, जो तीन सिस्टम बनाए इंडिया ने, उनकी जो वो थी, 3 पेटाफ्लॉप थी अकेडमिक्स में और रिसर्च सेंटर्स में। ठीक है, जो नेशनल इंपोर्टेंस के थे, 2022 की बात कर रहे हैं, तीन सिस्टम विद ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 TF उनकी स्पीड। ठीक है, जो किस में यूज हो रहा है, एकेडमिक्स में यूज हो रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में यूज हो रहा है, जो कि आपके नेशनल इंपोर्टेंस के, जैसे IITs, NITs, IISER, ISC बैंगलोर। ठीक है, इस तरह की 2022 में अगर हम सुपर कंप्यूटर्स के नेटवर्क की बात करें, टोटल 15 से 20 पेटाफ्लॉप की जो 2015 में ही अप्रूव कर दिए गए, तो इसके बाद इसको रिवाइज करके 45 पेटाफ्लॉप तक हमें लेके जाने का वो है, रिक्वायर्ड है कि, और इसकी जो स्पीड क्या है, 6 टाइम्स आपकी बढ़ा दी गई, कॉस्ट रिडक्शन, उसी सेम कॉस्ट पे जो इसमें आपके बन रहे थे पहले वाले कंप्यूटर, उसी सेम कॉस्ट पे आपकी हायर स्पीड के आपके सुपर कंप्यूटर्स को बनाने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो इनिशिएटिव एफर्ट्स है, तो उसने किस तरह के सुपर कंप्यूटर बनाए, तो इंडिया के जो इसका ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1980s में शुरू हुआ था, हुआ क्या था, 1971 में हमने इंडिया से जो, सॉरी, USA से सुपर कंप्यूटर मांगा, जो कि कंपनी का था आपकी HP कंपनी का। ठीक है, वो जिसका नाम उन्होंने सुपर कंप्यूटर का रखा था क्रे सुपर कंप्यूटर, मगर उन्होंने क्या करा कि टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, तो इसी के चलते हमने CDAC को स्टेब्लिश किया। कब, 1988 में स्टेब्लिश किया, जिसने 1991 में अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम PRM 800 था, जिसने 5 GFLOPS की स्पीड को अचीव किया। अब देखिए, ये हमने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम PRM 800 और इसकी स्पीड 5 GF थी। अब इसको जब, एक तो टाइम था हम उससे USA से इस चीज को खरीदना चाहते थे, मगर USA ने नहीं दिया। ठीक है, अब इतना हमने बनाया कि इतनी हाई स्पीड थी इसकी, इसे हमें एक्सपोर्ट तक करना पड़ा। ये सेकंड फास्टेस्ट वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था उस टाइम पे, 1988 में। तो इसको एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ किया हमने, इसको एक्सपोर्ट हमने किया, एक तो आपका UK में किया, जर्मनी में किया, रशिया में किया। ठीक है, इन इन कंट्रीज में हमने इसको एक्सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा कि भैया हमें भी दे दो, हमारे पास इतनी हाई स्पीड का नहीं है। तो अब फिर क्या हुआ, 2018 में, जून 2018 में USA का जो समिट है, या उसे सुमित बोल दो, अब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड में। ठीक है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया, पहले चाइना का था, मगर 2018 में USA ने अपना फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना दिया जिसका नाम समिट था। अब जनवरी 2018 में हमने बनाया प्रत्युष और मिहिर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड 6.8 पेटाफ्लॉप थी, PF थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की बात करें, फेज की बात कर रहे हैं, तो इसे 3 फेज में डिवाइड किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन को। ठीक है, फेज 1, फेज 2 और आपका फेज 3। फेज 1 में क्या है, फेज 1 में जो आपका पार्ट्स हमें क्या करना था, इंपोर्ट करने थे, उन्हें इंडिया में ही असेंबल करना था। इसमें टोटल 6 सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया इस फेज में। पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो इंडिजिनियसली बनाया गया, जिसका नाम परम शिवाय होता, और उसे IIT BHU में लोकेट किया गया। ठीक है,
जो फिर उसके बाद आता है उसी तरह का, इसी में ही हमने परम शक्ति बनाई जिसे IIT खड़गपुर में स्टेब्लिश किया गया, परम ब्रह्मा IISER पुणे में, और उसके बाद हमने और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर अपनी कंट्री में इंस्टॉल किए। ठीक है, अब उसके बाद IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में भी हमने बाकी कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड फेज में सुपर। अब इसमें क्या है कि इसमें ये बोला गया कि 60% आपको जो है अपना 60% पार्ट्स उसके इंडिजीनियस होने चाहिए सुपर कंप्यूटर के सेकंड फेज में। पहली फेज में हम सब बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, मगर सेकंड फेज में 60% कम से कम हमारी कंट्री का हम बना हुआ होना चाहिए, इंडिजीनियस होना चाहिए। तो उसमें हमने 11 सिस्टम की कवायद की कि हम 11 सिस्टम्स को बनाएंगे, उन्हें इंस्टॉल करेंगे इस फेज में। ठीक है, और जो उनके प्रोसेस को डिजाइन किया गया किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा, और हमने इसकी स्पीड को कितना अचीव किया, 10 पेटाफ्लॉप तक अचीव किया। ये नए सिस्टम बनाए गए, कंस्ट्रक्टिव किया गया, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे पिछले वालों से। इसमें से 11 में से एक जो सुपर कंप्यूटर है वो इस सीडेक में इंस्टॉल किया गया, जिसका काम MSMEs के लिए यूज किया जाता है और एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। अगला फेज थर्ड की अगर हम बात करें तो फेज थर्ड में क्या था कि जो थर्ड फेज में हमें अपना सारा का सारा, यानी कि पूरा 100% फुल्ली इंडिजीनियस, फुल्ली इंडिजीनियसली आपको सुपर कंप्यूटर को तैयार करना था। इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के मतलब वो हेल्प किया। तो इसमें दूसरी चीज और बड़ी चीज ये है कि जो कूलिंग सिस्टम है वो क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम को इजाद करना है, जिससे कि हीट को जल्दी से आसानी से जो कंप्यूटिंग चिप्स होती है, क्योंकि इसमें चिप्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, उसको हाइट को निकाला जा सके और इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। अब ये किसकी फेज थ्री किसके द्वारा रन किया जा रहा है, IIT बॉम्बे और सीडेक के द्वारा मिलकर रन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।